फिर आज ऊंट दिख गया, ऊंट का सौदा हो जाए ना भाई। हम लोग थोड़ा सा लेट होगा यार, दो ट्रक उतरे। ये देखो भाई आपके, माशाल्लाह भाई फुल हैवी जायंट ऊंट आते निकालते, क्या निकालते ये देखो। पहले खुशी में होता है जब गुब्बारे निकालते, क्या पैसे लगा दिए भाई को, फरहान भाई डर रहे हैं भाई, फरहान भाई चले जी भाई, टोकन हो गया चुप पकड़ो पर। और हमें तो डर लग रहा है कि इन्हीं में ही पला पड़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। यार फिर से इस हुलिया में सुबह सुबह के टाइम नॉर्दर्न बाईपास मंडी में आ गए, और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऊँट मंडी में। भाई ये देखो मेरे पीछे कितने ऊँट आ चुके हैं, और काफ़ी बड़े बड़े ऊँटे, लेकिन खूबसूरती में इतने नहीं है सारे, तकरीबन अभी ये वैसे ऊँटे जो ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट वाले ऊँट समझ लें आप इसको, ट्रांसपोर्ट वाले ऊँटे। लेकिन अभी एक फरहान भाई को पसंद आया, वो अच्छा है, थोड़ा साफ़ सुथरा ऊँट है, उसके थोड़ा वो मशीन से वो डिज़ाइन वगैरह भी बने हुए, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंट वगैरह जो भी बनाया हुआ है, खैर अच्छा खूबसूरत ऊँट था। अभी उसकी बात चल रही है, फरहान भाई ने पैसे वैसे भी लगाए, अभी देखते हैं 18 लाख रुपये डिमांड कर रहा था। खैर चलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में, और चैनल को यार अभी तक जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा, देखते हैं माशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब कर दें, एक कमेंट कर दिया करें प्यारा सा, और लाइक कर दिया करें, और आगे शेयर कर दिया करें। चलते फिर इंशाल्लाह वीडियो की तरफ। फिर आज ऊँट दिख गया, ऊँट का सौदा हो जाए ना भाई। हाँ ऊँट का भी करते हैं, गधे का सौदा भी करते हैं। गधा वधा छोड़ो, आज ऊँट लेना है भाई। मैं पहले बता रहा हूँ आपके मतलब के ऊँट आए हुए बड़े, सही है। अबे लोग कभी गधे बने हुए वो तो बेचारे थक के चूर हो गए पूरे, लेकिन ऊँट का नहीं है ना, माल नहीं, बस माल की ऐसी बात देखो ना, एक पागल का बच्चा था उधर, 55 लाख रुपए मांग लिया मैंने, 55 लाख रुपए का पागल मांगा नहीं, 55 लाख रुपए की चीज 55 लाख पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे रेट मांग रहे, इनका दिमाग खराब हो गया। ऊँट का करना है, लेकिन आज अगर ऊँट का हो गया तो आज दिखा देंगे फरन में, ऊँट उसमें तो है नहीं। जो बात है भाई, आज देखते हैं ऊँट का क्या है, तो है नहीं फरन पे, ऊँट तो चाहिए बस बस, वो तो कुर्बानी का है ना आपकी, वो तो कुर्बान होगा। आ जाओ भाई आज ऊँट के रेट भी लेके देते हैं, और ऊँट मंडी चलना, हमने अपना टेंट लगा लिया जमीन मेमन के अंदर, ठीक है, जमीन मेमन में टेंट लगा है, तो आप साथी आना हमारे टेंट पे विजिट करना, और इंशाल्लाह अगर ऊँट ले लिया तो ऊँट भी खड़ा रहेगा जमीन मेमन की मंडी में। बिल्कुल पहला टेंट आपका है, पहला टेंट हमारा है। बैनर वैनर लगा हुआ उधर, अभी बैनर भी लग रहा है, बस एक अपने झंडे मंडे तो लगाए हॉस्पिटल के, क्या बात है, जो हमारे पास थोड़ा बहुत माल है वो बेचना था। चलो फिर ऊँट की तरफ चलते हैं, आप ऊँट लेकर ऊँट का सौदा हो गया फिर आपको दिखाते हैं, क्या बात है। फरहान भाई ऑन फायर। दोस्तों यार ऊँट मंडी भी लग चुकी है, और ऊँट भी आ गए भाई काफी, अभी अभी हम लोग थोड़ा सा लेट होगा यार, दो ट्रक उतरे। ये देखो भाई आपके सामने, एक ये ट्रक था और एक ये ट्रक था भाई, दोनों अनलोड हो चुके हैं यार, लेकिन काफी बड़े बड़े ऊँट हैं। और ये देखो मेरे सामने, ऐसे देख रहे थे अभी सर पकड़ लेगा भाई, क्योंकि इनका दिमाग ही ऐसे आउट होता है भाई, बड़े खतरनाक ऊँट उठते हैं। अभी चाचा से पूछते कहाँ से लेके आई है, और बड़े हैवी हैवी ऊँट है। ये देखो भाई, चाचा कहाँ से लेके आए हो? अंदर है भाई, कब उतारा? अभी उतारा है वह भाई। चाचा बड़ा काफी बड़े बड़े खतरनाक ऊँट हैं, ये तो पूरे पूरे लग रहे हैं दांतों में, पूरे पूरे हैं दांतों में भाई, अल्लाह खैर करे, फुल हैवी खतरनाक ऊँट है भाई, माशाल्लाह भाई। कहाँ से लेके आए भाई? ये देखो भाई, तकरीबन 10-12 ऊँट बंदे में बाहर, ये देखो माशाल्लाह। कहाँ से लेके आई है ऊँट आप? शहजादपुर से। शहजादपुर कितना माल लेके आया? 20-25 ऊँट हैं, सारे बड़े हैवी हैवी ऊँट लेके आए हो भाई, दांतों में ये पूरे लग रहे हैं मुझे तो, है ना, दांतों में पूरे पूरे हैं भाई। और आगे जो 2-3 बंदे में ना, वो बहुत हैवी ऊँट हैं, और फुल बड़े बड़े हैं, तो अभी रेटों का कोई आइडिया तो नहीं है इनसे। खैर अभी शहजादपुर से उतरे भाई, और खुद भी थके हुए, इनके जानवर भी थके हुए, देखो भाई, तो चलते अंदर भी, ऊँट की मंडी लगी हुई है, चलते फिर अंदर। माशाल्लाह भाई फुल हैवी जायंट ऊँट आ चुके हैं भाई मंडी में, नॉर्दर्न बाईपास मंडी में। ये चेक करो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भाई, ये तो बड़ी खतरनाक आवाज़ें निकालने, अल्लाह केयर करे, फुल ये खतरनाक ऊँट हो रहे हैं अभी, क्योंकि अभी उतरे हैं, और जो इनके मालिक हैं वो आ चुके हैं भाई, और फरहान भाई के साथ बैठे हैं। फरहान भाई तो भाई कुर्बानी के लिए हर साल ऊँट लेते हैं, और कुछ नहीं करा, और देखते हैं अभी क्या सूरत हाल चल रही है। अभी तेरे को तू इरादे से देने के लिए आया ना, या अभी तेरे को आसरा करे? नहीं नहीं आसरा नहीं करो, मेरे रोज मिल जाएगी, अभी दो रुपये मिल जाएगी, दे दूँगा बस बस, सही है ना। पकड़ो, हाँ आसरा तो नहीं करने का। अब अरे दुलाई थोड़ा खोल बाहर यार, कौन सा ऊँट खुलवा रहे हो? वो सामने वाला, वो जो हम चुगल कर रहे हैं, ये वाला भाई, ये वाला बड़ा वाला ऊँट खुलवा रहे हैं। और ये देखो भाई खतरनाक ही लग रहे हैं, आगे पीछे सारे ऊँट ही ऊँट है भाई। ये देखो यार दांतों में क्या है ये लाला? चार दांत है, चार दांतों में चार है।
और इससे बड़े बड़े भी हैं यार। वो देखो पीछे वाला जो प्रिंट है, वो सारे गुस्से में हुए हैं भाई। अभी पता नहीं मुंह से क्या होता है, वो गुब्बारे निकालते क्या निकालते हैं। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो। और ये वाकई में मुझे वो थोड़े वाले ऊँट लग रहे हैं जो चराई वराई वाले होते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत बड़े बड़े ऊँट हैं। और ये देख लो भाई, फुल गुस्से में हुए हैं अभी। मुझे डर ही लग रहा भाई, आगे पीछे हर जगह ऊँट ही ऊँट है। ये देखो, अल्लाह खैर करे भाई, हर जगह ऊँट ही ऊँट है आगे पीछे। ये देखो अभी यहाँ से निकलना है मुझे। ये देखो, ओ भाई निकल गया, बहुत डर लग रहा है, बहुत ही खतरनाक ऊँट है और फुल हैवी। लाती बत्ती चला दी, मुझे डर ही लग रहा है, फुल आगे पीछे एक से एक ऊँट बड़ा हुआ है यार। 18 लाख रुपए शेरा माती बोलते मांगते हैं मेरे को। 18 लाख रुपए किसका, इसका शेरा मानी चाहिए। 18 लाख रुपए इस ऊँट की डिमांड कर ली भाई, क्या हो गया लला, 18 लाख का ऊँट भाई। और कोई इतनी अलग है, इस ऊँट में खूबसूरती नहीं है यार, जो एक फिनिशिंग पलावा वो वाली चीज नहीं है। ये वाकई में गाड़ी वाले ऊँटे हैं, जो गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं फिर रिटायर हो जाते हैं ना, ये लेके आ जाते हैं मंडी में। ओहो खतरनाक फुल ऊँट निकाल लिया। देख मुंह से गुब्बारे क्यों निकालते यार भाई, ये गुस्से में होता है क्या है? भाई मुझे तो गुस्से में लग रहा है ये भाई, बोल रहे हैं ये खुशी में होता है जब गुब्बारे निकालते हैं, मुझे तो गुस्से में लग रहा था ये। खैर इसके ऊपर प्रिंट भी हुए भाई, वो जो डिजाइन वगैरह बनाते हैं लोग हाथ से, वो चीज भी हुई है इसके ऊपर। कितनी मेहनत का काम है यार ये, ये देखो कितना बड़ा ऊँट है यार ये वाला। और इसकी ये देखो, इसके जो प्रिंट हुई ना, बड़ा मेहनत का काम है ये जो इनके ऊपर हुए हुआ है। और मेहंदी भी लगी हुई है, लेकिन वो अभी खूबसूरती नहीं है इन ऊँटों में, जो एक खूबसूरत ऊँट होते हैं और पले हुए साफ सुथरे जो होते हैं। फरहान भाई सौदा कर रहे हैं भाई अभी ऊँट का, और इनको अपनी कुर्बानी के लिए लेना है। इसके भी 18 लाख रुपये डिमांड कर रहा है भाई। भाई क्या पैसे लगा दिए भाई को, लगा दिए अभी बता रहे भाई मेरे को, भाई ने तो 18 मोल करा था पक्के। मैंने बोला पक्के मोल लगे, लंबी चौड़ाई करनी नहीं बात। आपने क्या लगा दिए? चले जी भाई, फरहान भाई ने रेट लगाए और चले जी भाई, ये बोल रहे अगर सौदा होता तो फिर इंशाल्लाह बताओगे ना, क्योंकि कुर्बानी के लिए ले रहे हो तो। चले जी भाई, टोकन हो गया, नफा भी हो रहा है। अब तेरे को डगे पे डगा बनाना, तुम क्या कर सकते? टोकन हो गया भाई, टोकन दे रहे हैं फरहान भाई। अली भाई नहीं ले रहे, अली भाई ऊंच नीच कर रहे हैं। और ये कोट ट्रक आ गया मेरे ख्याल से, अली भाई बिस्मिल्लाह करो, बस सुबह सुबह का टाइम है। चले जी, एक और ऊंट का ट्रक आ गया भाई अंदर मंडी में। खान के सामने वाले हिस्से पे आ गए, यहाँ भी इन्होंने उतारा। नाम क्या आपका? निसार भाई है, और इनके भी ऊंट खुलवाया अभी फरहान भाई ने दोनों। उसका तो सौदा नहीं बन पाया, 8 लाख रुपए लगा दिए थे, टोकन दे रहे थे फरहान भाई, कह रहे थे बस ये इंशाल्लाह हफ्ते दिन में उठा के लेके जाएंगे, और वो सौदा नहीं बन चुका। तो अभी निसार भाई का आगे देखें ऊँट, ये देखो भाई दांतों में 4 बता रहे हैं, और ये वाला 6 है भाई, और ये पीछे वाला वो वाला 2 है भाई, वो वाला 2 है, ये 6 ये 4 है, वो भी 2 है भाई। माशाल्लाह सारे ऊँट खुलवा लिए, लेकिन डिमांड कर इतनी ज़्यादा है, और अभी कुछ पैसे लगाए लेकिन और इतना सब बच्चों पकड़ा हुआ है, और हमें तो डर लग रहा है। खैर इन्हीं में ही पला बड़ा है, खेला कूदा भाई शुरू से, और डिमांड भाई काफ़ी कर रहे हैं। जोड़ी की 40 लाख, इसके अकेले के भाई 25 लाख, इसके पता नहीं 20 लाख, ऐसे ऐसे डिमांड कर रहे हैं भाई, काफ़ी हाई डिमांड है अभी। और उन तीनों के बोलना है वो ले जाओ 9-9 लाख रुपये में, लेकिन वो छोटे सिप्पी बोल रहा हूँ ऊँट है वो। खैर ये वाला बोल रहा है फाइनल 10 में दे दूँगा, लेकिन जो समझ आ रहा था उनकी भाई काफ़ी हाई डिमांड है। ये देखो ये क्या है,